बोलो फतेह, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी एक नेबर थी जो आपके यहाँ आई थी, उसको कन्फ्यूजन था, उसको फील्ड्स नहीं पता थी। आपने उसको क्या शायद करके आई वो थी बताई हमारे थी पास, क्या करके आई थी वो? मैम, वो 12th के बाद आई थी। उसको तो था बीए या बीकॉम कुछ ऐसा करेगी, बट आपने उसको फील्ड, उसका वो देख के, इंटरेस्ट देख के आपने उसको कहा था इवेंट मैनेजमेंट। तो उसने इवेंट मैनेजमेंट का 2 साल का शायद कोर्स किया था। काफी सक्सेसफुल है, अच्छा काम कर रही है वो। मैंने शी उसको इस सक्सेस फील्ड के हुई बारे मैम। में बिल्कुल जी मैम, उसको इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था। तो उसको भी ये था कि एक नई फील्ड है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, उसका इंटरेस्ट भी बना, उसका सर्कल भी काफी अच्छा बन गया। तो वो काफी अच्छे इवेंट्स कर रही है। अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी मैम, जिसको भी काउंसलिंग चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए या छोटे बच्चों की काउंसलिंग चाहिए, स्कूल गोइंग बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो वो इसके सब आपके बाद पास और आ एक सकते। आपके वो बंदा भी आया था, जी उसका मैम, भाई भी। एक हाँ, उसका भाई भी आया था जो थोड़ा सा मेंटली वीक था, पढ़ने में भी और थोड़ा मेंटली भी उसको परेशानी थी। उसको भी काफी सपोर्ट मिला, वो अपनी मन की बात शायद आपसे कर पाया था ढंग से, जो हमसे नहीं बता पाता था। और मैम, एक मेरा कजन भी आया था, मेरी एक कजन चाची, उनका बेटा, उसने भी आपसे ही पूछ के शायद 10th में 11th में स्ट्रीम ऑप्ट की थी, कि उसको था कि वो उसको मैथ्स फर्क ले या है, नहीं। उसको जी फर्क है। मैम, जी मैम, वो मेरे स्कूल में पढ़ता है और वो अच्छा कर रहा है, मेरे को पता है उसको। अच्छा, उसका तो जो आपने भेजा था ना वो मोटिवेशन, मतलब बिहेवियर काउंसलिंग, वो तो खेलने जी नहीं चाहता था, तो हमने हमने उससे जी बात मैम, निकलवाई कि उसको कुत्तों से हाँ बहुत डर लगता था। वही जी, उसको कुत्तों बात। से डर लगता था, वो बोलने में प्रॉब्लम करता था, बच्चों से बोल नहीं पाता था, थोड़ा हेजिटेट होता था। तो वो हमें नहीं पता चलता था कि बाहर क्या कर रहे हैं, वो उसने आपसे जाके क्लियर की तो समझ में आया था उन लोगों को कि कैसे क्या हो सकता है। तो वो हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे सारा। जी मैम, वो कंफर्टेबल है और बच्चा भी अब खेलता है गली में, और वो जो रुचिका है वो तो काफी अच्छा कर ही रही है अपने। काफी इवेंट वो गली से शुरू किया था उसने, मंदिरों, जागरणों, यहाँ से शुरू किया था। अभी उसने कोई शादी भी करवाई थी किसी की। वेरी गुड। मैंने देखती हूँ उसके स्टेटस पे, फोटोज वगैरह देखती हूँ, वो बहुत अच्छा। जी मैम, मतलब ये है कि आप करियर काउंसलिंग और बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर हाँ सकते। मैम, पूछ के, हाँ पूछ के एक वे मिल जाता है, आपको एक माइंड सेट हो जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में ऐसे काम करना है, तो वो चीजें आसान हो जाती है। वो अलग अलग फील्ड ट्राई करके उसको छोड़े, उससे बढ़िया एक फील्ड में जाए, उसको थोड़ा और टाइम बचा सकते हैं, नहीं हमारे तो पास अभी बच्चे बीच में की। ऐसा काउंसलिंग भी आया था जो मतलब उसको ना आकाश में आया, वो फिर थी उसमें, मतलब ये डाउट था कि मैं किस में पैसा भरूं, मैं पैसे भरूंगी तो उसके बाद मेरे वर्थ वापस हाँ आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बच्चा कंटिन्यू जी रिटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी अच्छी जी खासी जी फीस है फिर से की। तो हमने फिर जी मैम, काउंसलिंग करके कहा कि आप एक ट्रायल बेस पे करो, उसको अच्छा लगता है तो हम आगे कंटिन्यू कर हाँ सकते हैं, तो ये बात भी जी उनको अच्छी लगी और फिर वो आगे स्कॉलरशिप लेंगे हाँ बच्चे। जी मैम, पैसों का भी और टाइम का भी। जैसे वो 11th वाला मेरा कजन जो था, वो अगर मैथ्स ले लेता तो शायद हो सकता था वो 11th में फेल हो जाता, या वो इतना अच्छे से अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाता। उसने नॉन मैथ्स लिया, वो अपने स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है और पढ़ाई में भी वो अच्छे नंबर ला रहा है, कि एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ रहे हैं। बस यही है कि लोग पेरेंट्स बहुत आशाएं रखते हैं, अपना बच्चा ये करे वो करे, पर कई बार बच्चा अनसक्सेसफुल हो जाता है, बच्चा कह भी नहीं जी पाता और बच्चा फिर कई बार बहुत जी नेगेटिव मैम, स्टेप लेता है, अंदर ही अंदर बच्चा घुलता रहता है कि यार मैं ये कर लेता तो अच्छा होता, और बहुत लाइन जी है, बहुत लाइन है। हाँ, फिर वो टाइम वेस्ट हो, 1 साल खराब होना, फिर वो अलग से एक प्रेशर हो जाता है। क्योंकि आप लोग भी, मतलब काफी लोग ऐसा होता है ना कि कुछ करते हैं, जैसे डॉक्टर ही है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, उसमें टाइम और पेशेंस बहुत चाहिए होता है, वो पेरेंट को जी कन्विंस मैम, करना, समझाना, एक बार में कई बार क्लियर नहीं हो पाता, तो कंपटीशन की लाइफ है, चीजें बहुत जी है। मतलब ये है कि अंडरस्टैंड जी पेरेंट मैम, भी करे, बच्चा भी करे, हाँ और प्रॉपर लाइन में तो वो बच्चा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, थैंक्स जी मैम, फॉर। ऑप्शंस इतने हैं कि हमें पता ही नहीं है। ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत जी है। जी अब जैसे लैंग्वेज क्लासेस को लेके हम इतना बिहेव बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये भी चल सकता। हाँ मैम, मेरे को तो मेरे टाइम पे पता चला कि लैंग्वेज क्लासेस भी कोई क्लासेस होती है। और आप देख भी रहे होगे कितना अच्छा जा रहा, जी मैम जी, मतलब यानी पूरे इसको भी एक दिन। करियर ऑप्शन की तरह ऑप्ट करा जा सकता है। अब कल मेरे पास एक आया था, एक कैरियर ऑप्शन और भी कह रहे हो तुझे, जैसे कल मेरे घर पे गेस्ट आए थे शाम को, तो कहते कि उसका जो रिलेटिव है वो दुबई में करता है और उसको अरबी आ गई, अरबी आ गई, तो वो उसके 5 गुना ज्यादा वो पे करते हैं, हाँ मतलब बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है पर ऐसी कोई लैंग्वेज सीख के भी वो जी बच्चा अच्छा कमा सकता है।
ठीक है जी मैम, बिल्कुल तो मतलब आप जो सैलरी पाते हो ना अरब मतलब दुबई में, उससे जी 5 गुना ज्यादा, वो नॉर्मल कुक का ज्यादा 5 गुना ज्यादा है। तो बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है, तो दिस वन इज ऑल्सो वन स्किल कि आप लैंग्वेज सीख सकते हो बहुत आजकल जी तो मैम, जी पांच मैम हजार के आसपास स्किल्स है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता तो मोबाइल रिपेयरिंग है, काफी चीज है कि आप वीडियो रिपेयरिंग है, एसी रिपेयरिंग है, वो लोग भी दिन में 2-3 हजार तो आराम से कमा लेंगे। 2-3 हजार बोले तो जी 1 लाख मैम, की बिल्कुल सैलरी हो गई, जी और घूमते फिरते में लगता है कि ये लोग तो एसी हाँ वाला है, टीवी वाला है, हमारे घर रिपेयर के लिए आता है हाँ तो 1,000 रुपया कहीं से भी ले जाता है, पता ही नहीं चलता जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बहुत चीज है। ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू प्रतीक, नाइस टू जी टॉक विथ ओके यू, ओके है ना। तो आप एक छोटा सा जी मैसेज डाल दो कि किसी को आना है तो आपको वर्थ लगा यहाँ पे, हाँ आना बिल्कुल चाहिए मैम, तो उस दिन बहुत एक कराना अच्छी चीज है, चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको टाइम मनी सेव करना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है काउंसलिंग से, और एजुकेशनल काउंसलिंग के अलावा भी जो अगर कोई परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, या किसी बच्चे में बिहेवियर चेंज आ रहा है, एकदम सडन चेंज आ रहा है, तो वो भी आ सकता है। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू। वेलकम।